नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। देशहित यानी वो खबरें जिनमें है आपका हित और इस देश का हित। बिल्कुल, खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देशहित। आपके साथ मैं हूँ अमन चोपड़ा। जल्दी से आपको दिखा देते हैं आज की 20 बड़ी खबर। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला का लोकसभा स्पीकर बनना तय, कांग्रेस ने भी उनके नाम का किया समर्थन। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, लोकसभा स्पीकर का चुनाव कल होगा। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुला रखी है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की ओर से बुलाएगी बैठक में कांग्रेस के शामिल होने पर असमंजस बरकरार, राहुल गांधी जी के सवाल पर चुप्पी साध ली, सोनिया गांधी ने कहा कल तक इंतजार कीजिए। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता होंगे, कहा मैं पैदल सिपाही की तरह लड़ूंगा। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने लोकसभा में शपथ के दौरान कहा वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ। वंदे मातरम पर एसपी सांसद के विवादित बयान पर अखिलेश यादव बोले धरती मेरी मां है, इससे बड़ा कोई नहीं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान, कहा देश में जनसंख्या मुस्लिम नहीं एससी एसटी और ओबीसी बढ़ा रहे हैं। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी की शपथ के दौरान लगे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे, ओवैसी ने कहा अल्लाह हू अकबर। बंगाल से टीएमसी विधायक विश्वजीत दास बारह, टीएमसी पार्षद और कांग्रेस प्रवक्ता प्रसन्नजीत घोष बीजेपी में शामिल, दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी में शामिल कराया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस थाने पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका, हमले में 7 जख्मी। पुलवामा में कल आईईडी ब्लास्ट से सेना की गाड़ी पर हमले का मास्टरमाइंड जैश कमांडर सज्जाद भट्ट मारा गया, 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शामिल गाड़ी भी सज्जाद की ही थी। अनंतनाग में शहीद मेजर केतन शर्मा को मेरठ में दी गई अंतिम विदाई, पार्थिव शरीर को देखकर भावुक हुआ परिवार। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार का विरोध, लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज की, याचिका में पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कश्मीर पर अब साम दाम दंड भेद की नीति, वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा की परिक्रमा पूरी, आतंक के खिलाफ लड़ाई अधूरी। हम आतंकवाद करेंगे, वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा। न भूला न माफ किया, 124 दिन में साफ किया। सुन लो आतंकिस्तान, हर शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान। मेरा चेयर बेटा ही ना, और ते केंद्र दे मेनू को जोई नहीं दादा, मेरा पता गोरी कितना लगी। पुलवामा के गुनहगारों का अंत, आतंक के खिलाफ रण प्रचंड।